अभी तक मध्य वर्गीय और मध्य निम्न वर्गीय लोगों को राशन कार्ड दिया जाता था, जिसके माध्यम से परिवार को राशन मिलता है और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ भी मिलता है। अब ये खाद्य सुरक्षा कवच उन लोगों को भी दिया जा रहा है जो निम्न वर्ग से हैं और भीख मांगने या कूड़ा बिनने का काम करते हैं। भीख मांग कर और कूड़ा बिन कर जीवन यापन करने वालों को अब खाद्य सुरक्षा का कवच मिल रहा है। आपूर्ति विभाग उनके राशन कार्ड बनाकर फ्री राशन उपलब्ध करा रही है, जिससे कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे काफी लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं और जिनके नहीं बने हैं उनको चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत आपूर्ति विभाग की टीम सर्वे कर ऐसे लोगों को खोजेगी जो राशन कार्ड बनवाने के पात्र हैं। इन लोगों का पहले से भी राशन कार्ड बना हुआ है, चाहे मलिन बस्ती के हों या दलित बस्ती के हों, कूड़ा बीनने वाले, खोमचा पटरी पे अपना दुकान लगाने वाले, ये प्राथमिकता में आते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि यदि कोई छूट गया है और इन सब श्रेणियों में आता है और छूट गया है, तो उनको हम लोग चिन्हित करके हर हाल में राशन कार्ड उपलब्ध करा दें। तो मेरा प्रयास यही है और मैंने सभी इंस्पेक्टर यारों से बता दिया है कि आप रोड पे निकले या जाते आते वक्त ऐसे लोग मिलते हैं तो रुक के पूछें कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। यदि नहीं बना है तो तत्काल उनका राशन कार्ड बनवाया जा सके। अब एक पारिवारिक आईडी के रूप में राशन कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है उसका वो राशन कार्ड बनने के बाद खाद्यान्न के साथ साथ जो है वो पारिवारिक आईडी के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कानपुर शहर में 8 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड है। इनको 1407 कोटेदारों के माध्यम से फ्री राशन दिया जाता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग राशन कार्ड बनवा नहीं पाते हैं। इनमें बड़ी संख्या कूड़ा बिनने वाले, भीख मांगने वाले और फेरी खोमचे लगाने वालों की है। आपूर्ति विभाग ने सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क राशन वितरण योजना का ऐसे लोगों को लाभ दिलाने की पहल की है। राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। राशन कार्ड बनने पर इनको अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। इसके साथ ही पारिवारिक पहचान पत्र के तौर पर भी राशन कार्ड का उपयोग ये लोग कर सकेंगे। इस योजना के तहत भीख मांगने वाले, कूड़ा बिनने वाले जैसे निम्न वर्ग के लोगों को भी ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा योजना मिलेगी, उनको एक कवच मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ उनके पूरे परिवार के लिए एक आईडी का काम भी राशन कार्ड करेगा। इस योजना में अब तक 95% लोगों को शामिल किया जा चुका है और बाकी बचे 5% लोगों के लिए भी राशन कार्ड बनवाने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।